मुंबई में राजनीतिक मुद्दा बना पेंगुइन कक्ष का शुक्रवार को लोकार्पण हुआ। इसे पेंगुइन को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। शनिवार को तकरीबन 12,000 नागरिकों ने पेंगुइन को अपनी नजरों से देखा, तो वहीं इतवार को पेंगुइन को देखने के लिए 20,000 मुंबई का रानी बाग पहुंचे। पिछले 30 सालों में किसी प्राणी को देखने के लिए यहां पहली बार इतनी बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी। रानी बाग के आसपास का परिसर में मुस्लिम रहवासी होने के चलते ईद के अवसर पर यहां 10 से 12 हजार पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा इतवार के रोज यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो वही सामान्य दिन यहां 5 से 6 हजार पर्यटक पहुंचते हैं। पर पेंगुइन कक्ष के अनावरण के बाद ये पहले इतवार को पेंगुइन देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिसके चलते एक नया विक्रम बना। महापालिका चुनाव, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बाद तकरीबन 3 महीने के इंतजार के पश्चात मुंबईकरों को पेंगुइन देखने का अवसर मिला। पेंगुइन को देखने के लिए बाइकला स्थित रानी बाग में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने के कारण कुछ समय के लिए पेंगुइन कक्ष को बंद करना पड़ा था, पर नागरिकों के आग्रह के बाद इसे वापस खोल दिया गया।